नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल, लालूराम.com में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर रोक है, उसके बाद भी लगातार यहां गुटखा तंबाकू बिक रहा है। हाई कोर्ट ने शासन से जो है इसके लिए जवाब मांगा है, रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने गुटखा पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन क्या है कि जहां चाह है वहां राह है। अब क्या है, यदि आप पान दुकान में जाएं तो बड़े आसानी से आपको गुटखा प्राप्त हो सकता है। गुटखे का तरीका थोड़ा बदल गया है, ये है कि गुटखा अलग रहता, मतलब पान मसाला अलग रहता है, तंबाकू अलग रहता है, और जो खाने वाले हैं दोनों को मिलाकर बड़े चाव के साथ खा लेते हैं। आज हम गर्व करते हैं कि सबसे अधिक युवा हमारे पास है, सबसे अधिक युवा शक्ति हमारे पास है। लेकिन यदि युवा शक्ति नशे की ओर चली जाएगी तो आप उस युवा शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हाई कोर्ट ने भी इस ओर चिंता जाहिर की है। तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम बिक्री पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में तंबाकू गुटखा के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर इसकी बिक्री की जा रही है और प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार हो रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में खाद्य पदार्थों की जाँच और मिलावट को लेकर प्रावधान तय किया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं होने से प्रदेश में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। कैंसर पीड़ित दुर्गेश कछवाहा और नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले प्रतीक शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है फूड एक्ट के तहत हर जिले में अधिकारी नियुक्त होनी चाहिए, लेकिन पूरे प्रदेश में केवल 2 फूड कंट्रोलर अधिकारी हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। इसके अलावा पिछली सुनवाई में अधिनियम के पालन को लेकर फूड कंट्रोलर को जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। वास्तव में इसकी आवश्यकता है कि गुटखे पर, तंबाकू पर छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे युवा पीढ़ी में जो भटकाव आ रहा है उसे रोका जाए। साथ ही जागरूकता भी बहुत जरूरी है, जागरूकता के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने का संदेश भी दिया जाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।